In the last lecture, we have learned about the scientific notation. We have also learned about the temperature units and its conversion. In this lecture, we are going to learn about the multiplication and division of the different types of number and addition and the subtraction of the different types of number. And in addition to, we have also going to learn about the significant number. Okay? तो चलिए शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के साथ। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है वो सबसे इजीएस्ट वे है। आपको इसमें देखिए ज़्यादा थियरी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है कि जो भी आपको नंबर्स दिए गए हैं, ओके, उसको आपको कन्वर्ट करना है इन साइंटिफिक नोटेशन, ओके। अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन नहीं दिए गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्योंकि अगर साइंटिफिक नोटेशन दिया गया है तो हम डायरेक्टली यूज में लेने वाले हैं। दैट्स व्हाई हमको क्या चाहिए फॉर द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, तो हम क्या करने वाले हैं, तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में राइटिंग करेंगे, ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको साइंटिफिक नोटेशन में दिए गए हैं, ओके। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर भी साइंटिफिक नोटेशन में है, ओके। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या है, साइंटिफिक नोटेशन में। इन द सेकंड थिंग, यू जस्ट हैव टू ऐड एंड सब्सट्रैक्ट द पावर, ओके। कि देखिए 10^5 है हमारे पास इन द फर्स्ट केस। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास 10^5 है, यहाँ पर है मेरे पास 10^8, ओके। तो आपको क्या करना है कि मल्टीप्लीकेशन के लिए आप सबको सिर्फ और सिर्फ पावर है, पावर का एडिशन करना है, ओके। 5 + 8 कितना रहेगा, तो 10^13 रहेगा। यहाँ पर आप अपने पास आ गया 10^13, फिर हम क्या करेंगे 5.6 एंड 6.9 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जो आ गया है 38.64 इंटू 10^13। और इन द फर्दर अगर हमको 3.8 के अकॉर्डिंग लिखना है, ओके, कि फिर से हमें साइंटिफिक नोटेशन में आ जाना है, तो देखिए साइंटिफिक नोटेशन के लिए 3.864 के अकॉर्डिंग हमने लिखा, तो ये 10^13 है, वो हो जाएगा 10^14। बस इतनी सी सिंपल बात है। अगर हम सेकंड थिंग की बात करते हैं, तो देखिए दोनों नेगेटिव पावर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 10^-2 है, यहाँ पर मेरे पास है 10^-6, उसका भी एडिशन कर लेते हैं। -2 + -6 यानी कि -2 - 6 होगा -8। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 10^-8, ओके। और मल्टीप्लीकेशन करेंगे 9.8 × 2.5 का, तो जो आता है 24.5, ओके। और इसको अगर हम 2.4 के अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो -8 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ओके। फिर आते हैं अगर हम डिवीजन के ऊपर, तो डिवीजन में भी सेम है। डिवीजन में क्या आएगा कि अब हम सबको पता है कि अगर मेरे पास 10^-3 है, हमने उसको डिवाइड किया है 10^4 से, तो अगर हम 10^4 को 10^-3 के साथ जोड़ते हैं, तो क्या आएगा, तो नीचे था तो पॉजिटिव था, अगर ऊपर आएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, तो -3 - -4, ओके। और ये आ जाएगा -7, बाकी तो सेम रहेगा। 0.4 है, अगर मैं इसको 4.9 के अकॉर्डिंग लिखूंगा, तो -7 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ओके। तो बस बहुत ही सिंपल बात है। और दूसरी बात कि आप सबके पास कैलकुलेटर भी रहेगा, ओके, तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं। फिर दूसरी बात हमारे पास क्या रहेगी, द सेकंड थिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। क्योंकि जनरली क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि कैलकुलेटर रहता है, कैलकुलेटर में डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना रहते हैं, बाद में उसको साइंटिफिक नोटेशन में इंडिकेट कर देते हैं। पर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में जनरली क्या रहेगा हमारे पास, नो डाउट कैलकुलेटर में उसका भी आंसर कंप्लीट एक्यूरेटी आने वाला है, पर जनरली क्या होता है कि जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं, ओके, कॉम्प्लेक्स थोड़ी कैलकुलेशन आ जाती है, तो उसमें मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी, मिस्टेक होने के चांसेस है। अब एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में द मोस्ट एंड ओनली थिंग यू हैव टू कंसीडर इज दैट कि जिस चीज का आप सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं या जिस जिस नंबर का आप एडिशन कर रहे हैं, उसकी पावर सेम होनी चाहिए, ओके। कि अगर उसकी पावर सेम नहीं है, तो माइनस प्लस कुछ भी करके उसकी पावर सेम कीजिए, उसके बाद ही उसका एडिशन या तो उसका सब्सट्रैक्शन कीजिए। एंड दिस इज द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट इट, ओके। कि उसके आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर हमारे पास, जस्ट अ सेकंड, कि देखिए यहाँ पर हमारे पास है 6.65 × 10^4, एंड हियर यू कैन सी हियर वी हैव 8.95 × 10^3।
देखिए यहाँ पर 10^4 है, यहाँ पर 10^3 है, पर हमें तो क्या करना है कि अगर इन दोनों का एडिशन करना है या फिर सब्स्ट्रैक्शन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की जो पावर है वो सेम करनी पड़ेगी। तो देखिए हम क्या करते हैं, कहीं किसी भी साइड से आप सेम कर सकते हो, मैं 10^4 के अकॉर्डिंग भी लिख सकता हूँ, 10^5 के 3 के अकॉर्डिंग भी लिख सकता हूँ। तो देखिए हमने जो हमारे पास जो एग्जाम्पल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही बात करते हैं। तो देखिए नीचे आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, 8.95 है, तो 10^3, अगर हम सबको पता है कि अगर हम पॉइंट डेसिमल है, डेसिमल को अगर हम लेफ्ट साइड रखते हैं तो उसके लिए हमें पावर को बाय वन इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर 8.95 की जगह पर मैं 0.895 लिखूंगा तो 10^3 की जगह क्या आ जाएगा, 10^4। फिर मैं आसानी से उसका एडिशन कर सकता हूँ दूसरे नंबर के साथ जिसकी भी क्या है, 10^4 है। ओके, फिर दूसरी बात क्या है, देन दिस नंबर्स कैन बी एडेड एज फॉलोज। देखिए बाकी तो सिंपल है कि डायरेक्ट अब जो नंबर बाकी बचे उसको हमें ऐड कर देना है, जिसमें पावर की कोई भी चेंजेस नहीं आएगी, जो भी हमने दोनों का सेम किया सेम का सेम ही पावर रहेगा। वो बात भी याद रखनी है क्योंकि इसमें आपको ऐसा नहीं करना कि दोनों के एक की 10^4 है दूसरे की 10^4 है तो 4 + 4 10^8 आपको इसमें नहीं करनी। सब्स्ट्रैक्शन एंड एडिशन में जब आपने दोनों की पावर सेम कर दी फिर जो बाकी के नंबर बचे उसका आपको एडिशन या तो सब्स्ट्रैक्शन करना है, पावर को कोई भी चेंजेस आएगा नहीं। ओके, इन द सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं ओके कि यहाँ पर आप सबको दिखाया गया है कि 2.5 × 10^-2 है, यहाँ पर 4.8 × 10^-3 है। तो आपको क्या करना है, इसमें भी दोनों की पावर सेम करनी रहेगी, तो 10^-2 दोनों की पावर करते हैं तो 4.8 × 10^-3 है, उसको हम 0.48 × 10^-2 भी लिख सकते हैं। 0.48 × 10^-2 में अगर लिखते हैं तो हमको आंसर मिल जाएगा 2.02 × 10^-2। ओके, बहुत ही सिंपल था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, सब में बेसिक था कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन डिविजन की बात करते हैं तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जो पावर होगी उसका एडिशन या उसका सब्स्ट्रैक्शन करना है अकॉर्डिंग टू इट्स साइन एंड अकॉर्डिंग टू आइदर यू आर गोइंग टू डन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ओके, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दी सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके कि हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप लोग ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ चुके हैं नो डाउट, फिर से आपका रिविजन हो जाएगा, ध्यान अच्छे से दीजिएगा। ओके, कि सिग्निफिकेंट नंबर है उसके मेजरमेंट की बेसिक जरूरत क्यों पड़ी, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, हमने जो आगे देखा था कि उसकी एक्यूरेसी है प्रिसीजन वाला जो प्रॉब्लम रहता है तो उसके लिए हमें सिग्निफिकेंट नंबर है उसकी जरूरत पड़ती है। ओके, तो देखिए डायरेक्टली मैं आपको रूल पर ले जाता हूँ क्योंकि हमने बोला कि बाकी कोई हम जो एरी गेरी थियरी है उसके ऊपर पढ़ने वाले नहीं है, डायरेक्टली यू हैव टू कंसिडर इज वॉट यू हैव टू कंसिडर ओनली कंसेप्ट। ओके, कि आप कंसेप्ट के ऊपर चलते जाएंगे, आपके मार्क्स अपने आप आते जाएंगे, डायरेक्टली मैं आपको कंसेप्ट के ऊपर ही ले जाता हूँ क्योंकि बाकी सब थियरी आपको रट्टा लगा कर या पटा कर या बोल कर आप कुछ भी समझ सकते हैं, कोई फायदा नहीं है। ओके, तो सिग्निफिकेंट नंबर है आपको जनरली अपने एग्जाम, हाँ आप अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम आते हैं सभी में जनरली सिग्निफिकेंट नंबर वाले एमसीक्यूज आपको मिल जाते हैं, शायद आपको फिजिक्स में मिल जाए, फिजिक्स में ना मिले तो आपको केमिस्ट्री में मिल जाते हैं। ओके, और देखिए उसमें रहेगा क्या हमारे पास कि अगर मैं सिग्निफिकेंट नंबर की बात करता हूँ तो आपको सिर्फ और सिर्फ उतना ही पूछा गया होगा कि हाउ मैनी सिग्निफिकेंट नंबर्स आर देयर इन दिस इक्वेशन। ओके, कि कई बार हमें कोई एडिशन या मल्टीप्लिकेशन सब्स्ट्रैक्शन जैसा कोई हमें वर्क दिया गया होगा, टास्क दिया होगा, वो टास्क कंप्लीट करके उसके बाद जो नंबर आता है उसके सिग्निफिकेंट नंबर हमें मालूम करने रहेंगे, तो ऐसी कुछ बात भी होगी जिसकी हम आगे बात करने वाले। ओके, तो सिग्निफिकेंट नंबर मैंने जैसे आपको बताया कि आपको क्या करना है, तो सिर्फ और सिर्फ देखना है कि देयर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट नंबर्स आर देयर। ओके, तो देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ओके, देखिए आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है, आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि अगर 285, देखिए यहाँ पर कोई भी डेसिमल या ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया, डायरेक्टली आपको दिया गया है 285, तो आपको बोला गया कि ऑल दी नॉन जीरो नंबर्स आर दी सिग्निफिकेंट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देयर विल बी 3 सिग्निफिकेंट नंबर। ओके, आपको बस यही रूल याद रखने, बहुत ही ईजी है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द 0.25, ओके तो हमने जैसे बताया कि ऑल दी नॉन जीरो, ओके डेसिमल के बाद की अगर बात करते तो 2 और 5 दो हमारे पास डेसिमल आएंगे,
अगर डेसिमल से पहले जीरो है तो जीरो को हम काउंट करने वाले नहीं है। कहाँ पर जीरो को काउंट करना है उसकी भी हम आगे बात करने वाले हैं, पर फॉर दिस कंडीशन यू हैव टू रिमेम्बर ऑल द नॉन जीरो नंबर्स आर द सिग्निफिकेंट नंबर्स, ओके, एंड दैट्स व्हाई 280 देयर इज द थ्री सिग्निफिकेंट नंबर इन द 285 एंड देयर आर टू सिग्निफिकेंट नंबर्स इन द 0.25, ओके। सेकंड में आपको क्या याद रखना है, जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट, ओके। कि आपको क्या बोलते हैं कि अगर मैं इस टाइप का 0.03 है, ओके, तो उसमें भी जो डेसिमल के बाद के जीरो है वो सिग्निफिकेंट में काउंट हो गए नहीं, ओके। यानी कि 0.03 है तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट आएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक, कौन सा, तो 3, ओके। पर देखिए अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर दिया गया है, ओके, कि मेरे पास 0.30 दिया गया है तो उसमें दो सिग्निफिकेंट नंबर हो गए, ओके। और अगर मेरे पास 0.030 दिया गया है तो उसमें भी दो हो गए। ये बात भी आपको याद रखनी है। क्या, देखिए मैं आपको बेसिक सा जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, सारे ही समझ आ जाएगी। कि देखिए जब भी ये मेरे पास हो गया डेसिमल, ओके, कि ये जो मेरे पास हो गया है डेसिमल, डेसिमल के बाद का जीरो सिग्निफिकेंट नंबर में नहीं आएगा, पर उसके बाद जो नंबर शुरू होगा, ओके, कि यहाँ पर आप देखिए 3 से शुरू होता है, तो उसके बाद के जो भी जीरो होंगे सभी जीरो डेसिमल में आएंगे, सॉरी डेसिमल में नहीं, सिग्निफिकेंट नंबर्स में आएंगे, ओके। इन द सेम वे यू कैन सी हियर 0.0052 एंड देयर विल बी ओनली टू सिग्निफिकेंट नंबर्स एंड व्हिच विल बी 5 एंड 2, ओके। पर देखिए जो थर्ड जो हमारे पास कंडीशन है वो ही मेन कंडीशन होगी, कि देखिए जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी सिग्निफिकेंट रहेगा क्योंकि हम जीरो के बाद डेसिमल नहीं है हमारे पास, दैट्स व्हाई देयर विल बी 4 सिग्निफिकेंट नंबर। और दूसरी कंडीशन है जहाँ पर हम जीरो को एज अ सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करने वाले हैं, ओके, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए इन द फोर्थ वन आपको बहुत ही लंबा लंबा दिया गया है पर है कुछ भी नहीं। ये कौन सी कंडीशन है जो मैंने आपको बताई थी कि अगर मेरे पास डेसिमल के बाद कोई सिग्निफिकेंट नंबर आ गया, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरो के बाद 2 है जिसको हम सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करने वाले हैं, तो उसके बाद के सभी जीरो, ओके, कि उसके बाद के सभी जीरो ऐसे सिग्निफिकेंट नंबर ही काउंट हो गए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देर आर 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स, ओके। आप देख सकते हैं कि है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। बट अगर हम 100 की बात करते हैं तो 100 में सिर्फ और सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट नंबर रहेगा, पर अगर उसके बाद हम डेसिमल लिख देते हैं 100.0 तो देर विल बी 3, 100.0 तो देर विल बी 4, ओके, कि अगर मैं उसके बाद डेसिमल लिख देता हूँ तो हम जीरो को एज अ सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करेंगे, ओके। बेसिक थे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत ही आसान था, फिजिक्स में भी आप पढ़ चुके हैं, उसका बेसिक आपको रिविजन ही यहाँ पर दिया गया है, ओके। और उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूइंग द नंबर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल देखिए 2 बॉल्स और 20x हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। ऐसा क्यों दिया गया कि जब ओरिजिनल नंबर की बात आती है, जब नेचुरल नंबर की बात आती है, ओके, तो देखिए मैं 2 को 2 पॉइंट ऐसे भी लिख सकता हूँ 0000000, ओके, और ऐसे भी लिख सकता हूँ 20.00000, तो ये सब क्या आएंगे सिग्निफिकेंट नंबर में ही आएंगे, ओके, कि सभी नंबर सभी फिगर को हम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर हम काउंट करने वाले हैं, एंड दैट्स व्हाई हमको बोला गया है कि जब भी ऐसे नेचुरल नंबर हमें मिलते हैं 2 है 20 है 50 है 55 जैसे कोई भी हमें ऐसा नेचुरल नंबर मिलता है तो देयर विल बी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर दैट, बिकॉज हम डेसिमल के बाद अपनी मर्जी के मुताबिक कितने भी जीरो लगा सकते हैं, ओके, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर हमें सिग्निफिकेंट नंबर इनफाइनाइट मिलेंगे। बस इतनी सी बात यहाँ पर थी कि सिग्निफिकेंट नंबर हम कैसे अचीव करने वाले थे, बाकी कोई नहीं था। अगर हम प्रिसीजन एक्यूरेसी की बात करें तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर, चलिए प्रिसीजन एक्यूरेसी इसी लेक्चर में देख लेते हैं कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों में डिफरेंस क्या है, ओके। तो देखिए प्रिसीजन का मतलब क्या है कि हमारे पास हमें जो एक्यूरेट हमें मेजरमेंट करना है उसका कितने नज़दीक है आप, उसको हम बोलेंगे प्रिसीजन, ओके। और एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि अगर आपने 5 रिजल्ट आपके आए हैं, ओके, 5 रिजल्ट आपके आए हैं तो पांचों रिजल्ट एक दूसरे के कितने नजदीक है,
ओके चलिए मैं आपको आगे समझाता हूँ, कंप्लीट आपको समझने आ जाएगा। क्योंकि जनरली लोग क्या समझते हैं कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों एक ही बात है, पर नहीं दोस्त, एक बात नहीं है। ओके मैं आपको थियोरी देखिए, इसमें भी आपको थियोरी मैंने आपको बोला था रट्टा नहीं मारना, पर हाँ उसकी डेफिनेशन बेसिक है वो आपको याद रखनी रहेगी। पहली बार मैं आपको याद रखने का बोल रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि प्रिसीजन रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट। ओके कि प्रिसीजन refers to closeness of various measurement for the same quantity and what is accuracy? So accuracy is the agreement of a particular value to the true value of the result. Okay? बस इतनी सी बात याद रखनी, एग्जाम्पल में हमें दिया गया, हमें क्या देखिए आप ऊपर पढ़िए, precision refers to the closeness of various measurement, हमने जो बोला था कि हमें जो प्रिसीजन मिलेगा, प्रिसीजन क्या कि अगर हमारे पास मोर देन वन रिजल्ट है तो वो एक दूसरे के कितने नजदीक है। ओके पर एक्यूरेसी का मतलब क्या होगा कि हमें जो रिजल्ट मिले हैं वो कितने एक्यूरेट है, कि वो कितने हद तक सही है। ओके देखिए फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं तो मेरी जो एक्चुअल रिजल्ट है, मेरा जो फाइनल रिजल्ट होता है वो क्या है, तो वो मेरे पास है 2.00 यानी कि 2 है। ओके कि हमें जो ग्राम ग्राम में दिया गया है कि मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो 2 ग्राम है, पर स्टूडेंट ए जो है उसको कितना मेजर होता है, तो 1.95 एंड 1.93। ओके हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, पर हमें मिलता है 1.95 और 1.93। तो देखिए दीज वैल्यूज आर प्रिसाइज एज दे आर क्लोज टू इच अदर। ओके कि प्रिसीजन है उसका, क्यों, क्योंकि दोनों रिजल्ट है वो एक दूसरे के नजदीक के हैं। ओके पर हमने जो चाहिए था, हमें जो मांगता रिजल्ट था वो क्या था, 2.00, उसके तो नजदीक नहीं है। ओके तो इसीलिए आपको दिया गया कि प्रिसाइज एज दे आर क्लोज टू इच अदर। ओके यहाँ पर हम अंडरलाइन कर देते हैं कि दिस बोथ आर प्रिसाइज एज दे आर क्लोज टू इच अदर बट आर नॉट एक्यूरेट। क्यों, क्योंकि एक्यूरेसी में क्या है हमारे पास, हमें क्या चाहिए एक्यूरेसी के लिए कि हमारा जो रिजल्ट होना चाहिए वो 2 के नजदीक होना चाहिए, पर वो तो क्या है 1.95 एंड 1.93। ओके तो इस एग्जाम्पल के जरिए आप समझ सकते हैं कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस है। कि प्रिसीजन का मतलब क्या होगा कि हमारे जो रिजल्ट आते हैं वो एक दूसरे के कितने नजदीक है, और एक्यूरेसी का मतलब क्या होगा कि हमारे जो रिजल्ट आते हैं वो एक्चुअल रिजल्ट से कितने नजदीक है। देखिए दूसरे स्टूडेंट की हम बात करते हैं तो स्टूडेंट बी रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्टेन्स, एक का देखिए रिजल्ट आता है 1.94, दूसरे का रिजल्ट आता है 2.05। तो देखिए ये दोनों रिजल्ट एक दूसरे के नजदीक भी नहीं है और सच रिजल्ट के नजदीक भी नहीं है। ओके तो ये ना तो एक्यूरेट हो गए और ना तो प्रिसाइज हो गए। ओके दैट्स व्हाई यू कैन सी द रिजल्ट फॉर टू मेजरमेंट्स, दिस ऑब्जर्वेशन आर नेदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। क्यों, क्योंकि ये दो ना तो एक दूसरे के नजदीक है ना तो एक्चुअल रिजल्ट के नजदीक है। ओके एंड द थर्ड स्टूडेंट सी, उसका रिजल्ट क्या आएगा, तो 2.01 आता है और 1.99 आता है। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के नजदीक भी है, पर ये दोनों हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट 2.00 था उसके नजदीक भी है, उसके नजदीक भी है। ओके देन दीज वैल्यूज आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। ओके ये बात आप सबको याद रखनी है, बस उतनी सी बात थी प्रिसीजन और एक्यूरेसी में, बहुत ही इजी था, कोई भी बड़ी बात नहीं थी। ओके और जैसे बोला कि उसमें आपको थियोरी या ऐसा कोई रट्टा नहीं मारना पड़ा, बेसिक जो प्रिसीजन है एक्यूरेसी की जो डेफिनेशन है वो आप एक बार याद कर लीजिए, और ऐसा भी नहीं है कि आपको वर्ड टू वर्ड कॉपी करना है, आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं क्या है कि उसका मीनिंग सेम होना चाहिए, मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, बाकी कुछ भी वर्ड चेंज हो जाएगा आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं ऊपर का ये जो डेटा था वही है, फिर उसमें क्या लेते हैं, हम उसकी एवरेज लेते हैं 1.95 1.93, तो उसकी एवरेज हमें क्या मिलेंगी 1.94 1.94 2.05, तो उसकी एवरेज हमें क्या मिलेंगी 1.99 और इसकी एवरेज मिलती है 2। ओके बेसिक आपको दिया गया इसलिए मैंने आपको बताया, बाकी हमारे कोई भी काम का नहीं है ये। ओके तो ये हमारे पास हो गया मेजरमेंट एंड उसकी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन वाला पार्ट। ओके तो इस लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं, हमारे पास जो टाइम आता है वो है होमवर्क का, तो इन द होमवर्क आप लोग क्या करेंगे, तो देखिए मैं आपको डिफरेंट थोड़े बहुत नंबर देता हूँ, उसके आपको सिग्निफिकेंट नंबर्स आपको मुझे बताने हैं। ओके ये भी मैंने आपको बताया वैसे ही, बहुत ही छोटे ही नंबर होंगे, ज्यादा बड़े नहीं दूंगा आपको, और आपका होमवर्क है वो हमेशा की तरह इस बार भी कम ही रहने वाला है। ओके तो देखिए पहला आपको मिलेगा 2.8889,
सेकंड वन, द थर्ड वन, ओके द फोर्थ वन, सेवन, एट, नाइन की बात करते हैं तो एंड लास्ट। ओके, तो मैंने आपको टोटल 10 फिगर दी गई है। इन 10 फिगर की आपको मुझे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ओके मुझे आपको बताना है। अगर आपने रूल्स हमने जो अभी अभी पढ़े थे वो अगर आपने कंप्लीट कर लिए होंगे तो आप विद इन 2 मिनट ओके ज्यादा टाइम नहीं, 2 मिनट आप देख देख कर आप आंसर दे देंगे। पर उसके लिए क्या है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कई बच्चों को हो सकता है कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो, आप रिविजन करिए थोड़ा बहुत। अगर कोई डाउट आता है तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ओके। पर क्या है कि कंसेप्ट क्लियर रखना, बाकी आपका आंसर खुद में खुद आ जाएगा ओके। ऑल द बेस्ट।